ब्रह्मांडों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था, आज तुझे दशा बल क्या है? जय श्री राम। दहन करते, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं देही सौभाग्य आरोग्यम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य आरोग्य सुख विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता है। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और INS विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहूं फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुण होने वाला था। तब
सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, ये दहन हो हर उस वृत्त विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत
जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो, राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी सेहत को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और दसवां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में
विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभी सी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े, हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं, इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब जिस क्षण की प्रतीक्षा में हम सब, अर्थात अन्याय का दहन, रावण का दहन, उस व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक है अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का, और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं, और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन
जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन, जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन, जो असत्य के प्रतीक हैं, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं, अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां, जय जय। जिन्होंने असत्य का साथ दिया, इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम।